एक बड़ी खबर मिल रही है पलामू से। पलामू के हुसैनाबाद के मोहम्मदगंज में 8 जुलाई को रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर अशोका बिल्डकॉन कंपनी के कैंप पर जो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसमें एक कर्मी को भी गोली लगी थी, उस मामले का उद्भेदन किया है पुलिस ने और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रोहित तिवारी उर्फ पिंकू और रूपेश कुमार सिंह उर्फ राजा को पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि ये दोनों अमन साहू गिरोह के सदस्य हैं और अमन साहू के कहने पर रंगदारी मांगने के लिए, डराने धमकाने और दबाव बनाने के लिए फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने दो देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। पलामू एसपी चंदन सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी दी। इससे पहले भी फरवरी महीने में पड़वा थाना क्षेत्र के कजरी में चल रहे रेलवे लाइन निर्माण कंपनी में अपराधी हरि तिवारी के इशारे पर गोलीबारी की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। फिलहाल आपको बता दें कि तब साइड पर दो बाइक से आए 4 बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। इनमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है। 2 और अपराधियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। अमन साहू गिरोह के कहने पर रंगदारी के लिए डराने दबाव बनाने के इरादे से फायरिंग की घटना को अंजाम दी गई थी, जिसमें एक कर्मी को भी साइड पर गोली लगी थी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, पलामू एसपी चंदन सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुसैनाबाद के मोहम्मदगंज में 8 जुलाई को हुए रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट अशोका बिल्डकॉन कंपनी के कैंप पर हुई फायरिंग की घटना के उद्भेदन की जानकारी दी है। हालांकि घटना को 4 अपराधियों ने अंजाम दिया था, लेकिन अभी 2 ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी हुई है। 2 और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। हमारे संवाददाता संतोष और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, बड़ी कामयाबी, रेलवे साइड पर हुए गोलीबारी का उद्भेदन हुआ है, 2 की गिरफ्तारी हुई है, पूरी जानकारी चाहेंगे। पुलिस को कैसे मिली ये कामयाबी? जी बिल्कुल दीपक, बता दें कि पुलिस को एक कामयाबी जरूर हाथ लगी है। बता दें कि ये जो घटनाक्रम 8 जुलाई को हुई थी, जो ताबड़तोड़ जो है गोलीबारी की गई थी रेलवे पार्क की कंस्ट्रक्शन वाले कंपनी में की गई थी, जिसमें एक कर्मचारी को भी गोली लगी हुई थी। तो इसी जगह में पुलिस जो है तथ्य के आधार पर 2 लोगों को गट उठाकर अपने थाने लाई थी, जिससे पूछताछ और अपने अनुसंधान में दोनों को पुख्ता सबूत मिलने के बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल बता दें कि ये सारा घटनाक्रम जो है कुख्यात अपराधी अमन साहू जो जेल में बैठा हुआ उसके इशारे पे की गई है। इसके इशारे पे जेल में बैठे हरि तिवारी ने पूरी के जो है घटनाक्रम को की साजिश को रचा था, जिसके बाद 4 अपराधी जो है इस रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाते हैं और ताबड़तोड़ जो है गोलीबारी करते हैं। इन सब का मकसद सिर्फ इतना ही था कि अपना दबदबा बनाना और रंगदारी के पैसे को वसूल करना। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस घटनाक्रम में शामिल सिर्फ 2 अपराधियों को अब तक पुलिस पकड़ पाई है। फिलहाल अभी भी 2 अपराधी जो है फिलहाल फरार है पुलिस के गिरफ्त से। आपको बता दें कि इसमें काफी चीजों का खुलासा पुलिस जो है करेगी और भी करेगी, और इसमें उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है। और आपको बता दें कि कांड में आपको बता दें फरवरी माह में भी एक रेलवे साइड जो है पड़वा के कजरी में जो चल रहा था रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम, वहां पे भी जो है ये गोलीबारी की घटना का अंजाम दिए थे। ये स्वीकृति बयान में भी आया है, पुलिस ने इसकी पूछताछ में बताया। फिलहाल जो है पुलिस 2 और जो अन्य लोग हैं उन लोगों को भी गिरफ्तारी के प्रयासरत है। फिलहाल इस सब घटनाक्रम में अमन शाह जो जेल में बैठा है वहीं से ये सारा जो है कंट्रोल किया गया था, जो साजिश रची गई थी। तो फिलहाल इसमें स्थानीय 2 स्थानीय लोगों की भी बात सामने आ रही है। तो अब तक जो पुलिस सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी की भी जांच चल रही है। जी धन्यवाद संतोष, तमाम जानकारियों के लिए।